अमरोती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के इकबाल नगर परिसर में दो गुटों में आपसी विवाद हो गया और ये आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे पर कातिलाना हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने आई थी और इन गंभीरों को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था, किंतु इसमें से सैयद जाकिर सैयद आरिफ की परिस्थिति नाजुक होने के चलते उसे तुरंत ही पंजाबराव देशमुख अस्पताल में भिजवाया गया था, जहां पर उसका 3.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उसके पेट में चाकू का काफी गहरा जख्म होने के चलते उसकी अतड़ियां कट गई थी। तबीयत ठीक होने के बाद में इस घटना के संदर्भ में आइए जानते हैं सैयद जाकिर से क्या था माजरा। इधर से आ रहा था मैं, हाँ लग रहा था, उनके दो दो बातों है। मैं चौक पर से आ रहा था, देखे 10 जने खड़े हुए थे वहाँ, सबके अपने रोड पे चाकू लगे थे सामान, तो दो जनों ने मारे मेरे को, सद्दाम ने पकड़ा, उसके अब्बू ने मारे, फिर रिंग में लग गया मेरे को, रिंग के लिए नहीं मेरा जानने अलमा का मेरे पे, तो वहाँ 5 दवा खाने की अच्छी भी जाए मेरे को डॉक्टर साहब ने होता नहीं होता नहीं छेट पर दवा खाने आया था मेरा पंजाबराव में। तो 3.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ मेरा, पेट को मारा हाथ पे, तो चाकू आते पेट में। दूसरे गुट के 2 सदस्यों के सर पर गंभीर चोट होने के चलते उन्हें भी अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाने के पश्चात उनका भी इलाज जारी है। इस घटना के संदर्भ में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा दोनों ही दलों पर गुनाह दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की गई है, किंतु तीनों ही आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी होने के चलते अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आगे इस घटना के संदर्भ में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जाँच जारी है। विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान की यह रिपोर्ट।